कुरला नेहरू नगर शेल कॉलोनी में खूनी वारदात सामने आई है। घटना को राहुल निषाद नामक व्यक्ति 28 वर्ष ने अंजाम दिया है, जहां महिला की धारदार हथियार से हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल महिला के घर खाना खाने जाया करता था, पर पिछली रात महिला के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। फिर उसके बाद राहुल ने खुद पर भी हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में महिला और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस की जांच चालू है। डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज शाम 9 बजे के करीब एक खबर मिली कि एक घर में स्टैबिंग का मामला हुआ है। इस सिलसिले में तहकीकात करने के बाद में ऐसा पता चला कि एक फैमिली से बेटी और उसकी माँ दोनों को स्टैबिंग हुआ, और इसमें स्टैबिंग करने वाला जो इंसान था 28 साल का राहुल निषाद करके है, उसने उसी घर में उन दोनों को स्टैब करने के बाद में खुद को भी स्टैब करवा लिया और उसकी जगह पे डेथ हुई है। उस सिलसिले में जो लड़की और उसकी माँ दोनों को हॉस्पिटलाइज किया है, अभी उनका ट्रीटमेंट चालू है। इस सिलसिले में हम अभी लड़की की माँ से इस बारे में पूछताछ करेंगे, लेकिन लड़का जो था उसका उस घर में आना जाना था, ऐसी खबर अभी जो इस सिलसिले में जो चश्मदीप गवाह है वहाँ पे जो जिन्होंने ये सब देखा, उनके बयान से तो अभी ये नज़र आ रहा है कि वो लड़का आता था, घर पे आता था और हमेशा आता था, लेकिन किस वजह से हुआ इसकी हम तहकीकात करें।